बागवान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बागवान भाइयों टंग ग्राफ्टिंग के बारे में। टंग ग्राफ्टिंग आप कैसे करते हैं, ये आप लास्ट ईयर की कल में भी देख पा रहे होंगे। ये जो है आपके चुल्टी में जो है बादाम की कलम की है, टंग ग्राफ्टिंग की हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह से जो है फिलअप हो चुकी है। ये सब टंग ग्राफ्टिंग की हुई है, लास्ट ईयर की कलम में है। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको रिजल्ट किस तरह से फिलअप होती है। दोस्तों, टंग ग्राफ्टिंग आप 1 से 1.5 इंच तक के मोटे ब्रांचेज में आप टंग ग्राफ्टिंग ही करें, आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से टंग ग्राफ्टिंग परफॉर्म करती है, और पूरी तरह से एक ही साल में जो है आपका पूरा जख्म फिलअप हो जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये टंग ग्राफ्टिंग है लास्ट ईयर की, और इसमें आप किस प्रकार से फिलअप हो चुकी है आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये टंग ग्राफ्टिंग है, ये सीडलिंग के ऊपर रॉयल की कलम की है, टंग ग्राफ्टिंग की हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये फिलअप हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये इसमें ग्राफ्टिंग का है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो 1 से 1.5 इंच तक की मोटी ब्रांच है उसमें आप टंग ग्राफ्टिंग करें, जो मोटी है 2, 3, 4 इंच तक की उसमें आप स्टार्प ग्राफ्टिंग करें। अगर आपने स्टार्प ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं आपको नहीं है पता, तो आप ये मैं पहले ही वीडियो आपको डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए टंग ग्राफ्टिंग लास्ट ईयर की कल में। दोस्तों, टंग ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग है, कई प्रकार से ग्राफ्टिंग करते हैं लेकिन टंग ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी है, और मोटे में स्टार्प ग्राफ्टिंग, इससे आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, टंग ग्राफ्टिंग के रिजल्ट लास्ट ईयर के, अभी मैं आपको टंग ग्राफ्टिंग करके बताऊंगा कि आपको टंग ग्राफ्टिंग कैसे करनी है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है टंग ग्राफ्टिंग करती बारी। तो आइए दोस्तों, टंग ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं। जिसमें भी आप कलम करना चाहते हैं उसको पहले इस प्रकार से आप काटिए, इस प्रकार से साफ करने के बाद काटेंगे यूँ इस प्रकार से, और फिर इसको भी आप थोड़ा सा यूँ इस तरह से, इस प्रकार से आपने फाड़ना है। दोस्तों, फिर हम लेंगे एक स्टिक को, कलम को बनाएंगे हम इस प्रकार से, इस प्रकार से कलम को बनाएंगे, और इधर से छिलका कटेंगे, इधर से इसका छिलका कटेंगे। दोस्तों, हम इस प्रकार से, और फिर हम यहाँ से भी इसको इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें अगर अंदर कोई इस प्रकार से बुड़ रहा होगा तो आपको उसे निकालना होगा, साफ करना होगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से हम कलम को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे यूं, और फिर ये आप देख पा रहे होंगे ये जो छिलका है इसका, इसे हमने इस प्रकार से यहाँ से काट लेना है। ये छिलका इस जख्म को फिलअप करेगा, और यहाँ से ये इसको फिलअप करेगी कलम को, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फिलअप, जो अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया लास्ट ईयर की कलमों का, वो मैंने इसी प्रकार से की है, और इसी प्रकार से टंग ग्राफ्टिंग को करते हैं। आपको ध्यान इस बात का रखना है साइड का छिलका अच्छी तरह से मिले, और आपके छिलके के अंदर कोई बुड ना रहे जिससे छिलका ना पकड़े, और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपकी कलम कभी भी फेल नहीं होगी, और एक ही ईयर में ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी। जितनी कलम में आपके कस पड़ेगा उतनी अच्छी तरह से कलम चलेगी, जख्म जल्दी फिलअप होगा, और आपकी कलम के चलने के चांसेस 100% रहेंगे अगर आप प्लास्टिक को अच्छी तरह से बांधते हो।
क्योंकि दोस्तों जब इसमें कष्ट पड़ेगा बाहर से पूरी तरह से, ये चीज़ें जब पूरी तरह से इकट्ठी बैठेगी तो कलम की मजबूरी हो जाएगी इसका चलना। इस प्रकार से आपको प्लास्टिक को बांटना है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। एक तो कस पड़े, बहुत ज़्यादा कस पड़े, और दूसरा कि इसमें कहीं से भी हवा का सोर्स ना रहे जिससे कि हमारे कलम के फेल होने के चांस बढ़ सके। इसलिए आपको प्लास्टिक इसमें मैन होता है कलम के बाद। प्लास्टिक का अगर रोल मैं बताऊं आपको तो 60-70% रोल प्लास्टिक का होता है एक्चुअली में, क्योंकि जो हमने कलम को यहाँ से फाड़ा है इसको ब्रांच को, तो वो तभी फिलअप हो पाएगी जब आप पूरी तरह से जो है कसाओं में लाएंगे, छिलका इकट्ठे मिलेंगे जहाँ पे ये कलम के छिलके दोनों साइड में मिल जाएंगे और ये बाहर का छिलका पूरी तरह से बैठ जाएगा और तभी ये पूरी तरह से अपना काम कर पाएगा। अगर आप प्लास्टिक को ढीला बांधते हो या कहीं से हवा का सोर्स रहता है तो आपकी कलम अगर चलेगी भी तो मर मर के चलेगी। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि हवा का कहीं भी स्कोप ना रहे। तो इस तरह से दोस्तों आपको टंग ग्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए, अब ये टंग ग्राफ्टिंग हो चुकी है। इस प्रकार से आपको टंग ग्राफ्टिंग करनी है दोस्तों, जिसमें आप कलम करना चाहते हो 2-3-4 इंच तक की जितनी भी मोटी है, तो उसमें आप स्टार्प ग्राफ्टिंग ही करेंगे। इसकी मैंने ऑलरेडी परसों ही वीडियो डाली है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और मोटे कट को फिलअप करने में स्टार्प ग्राफ्टिंग का क्या रोल है, आपको रिजल्ट भी मैंने लास्ट ईयर के दिखाए हैं, और ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं स्टार्प ग्राफ्टिंग, ये भी मैंने आपको करके बताई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।